रात का समय था, रोहित मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। चल कवर दे कवर दे कवर दे कवर दे, यस यस शाबाश। रोहित की मम्मी आती है। क्या हर वक्त पबजी पबजी पबजी, खाना भी नहीं खाता? ये सेब और छुरी छोड़ के जा रही हूँ, काट कर खा लेना। मम्मी चली जाती है। रोहित पबजी में ही लगा था कि अचानक गेम ऑफ हो जाता है। ये क्या, अभी तो ठीक चल रहा था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? तभी टीवी पर पीएम की मन की बात चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। यह सुनकर रोहित एकदम बौखला जाता है। पबजी बैन हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? अब तो मर जाना ही बेहतर है। ये मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? छुरी छुरी कहाँ है? आ आ छुरी कहाँ है? आ छुरी। रोहित सेब की प्लेट में रखी छुरी उठाता है और अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करता है। यह हाल सिर्फ रोहित का ही नहीं था, पबजी बैन की खबर सुनकर देश के सैकड़ों नौजवानों की यही हालत हुई थी। किसी ने फांसी लगा ली तो कोई छत से कूद पड़ा। कहते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह बदले की आग में जलती हुई भटकती रहती है। इन लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात का समय था, शहर सुनसान था। तभी हाथ में बंदूक के बम और गोले लेकर कुछ सिपाही सड़कों पर चलते दिखाई दिए। सड़कों पर चलते लोगों को लगा कि होगी कोई मिलिट्री की फौज, पर यह वह भूतिया फौज थी जो अब पबजी खेलने सड़क पर उतरी थी। एक दो अटैक। बंदूकें चलने लगती हैं, बम गिरने लगते हैं, गली मोहल्ले फटने लगते हैं, सड़कों पर चलती गाड़ियां और इंसान खेल की तरह भूतों का खिलौना बन जाते हैं। यह हाल सिर्फ रास्तों का ही नहीं था, बल्कि अपने घरों में भी कोई सुरक्षित नहीं था। भूतिया फौज एक बिल्डिंग को घेर लेती है, हर घर हर दरवाजे पर जाकर बम लगा देती है, घरों में घुसकर लोगों को छलनी करने लगती है। पुलिस आती है, बिल्डिंग को घेर लेती है। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। पुलिस को देखकर सारे भूत हंसने लगते हैं, आसमान में उड़ते उड़ते गोलियों की बरसात करते हैं। What? सर, अंधेरी में हमला हुआ है, हमें निकलना चाहिए। अभी तो यहाँ थे, अब अंधेरी। हम इंसान हैं और वो भूत, हमारे अंधेरी तक पहुँचते पहुँचते वो कहीं और निकल जाएंगे। तो सर अब करें तो क्या करें? दिल्ली फोन घुमाओ। दिल्ली को शहर के हालात के बारे में पता चलता है तो दिल्ली भी कांप जाती है। सरकार पर विरोधियों का प्रेशर बढ़ जाता है। ये सरकार बस अपने मन की बातें करती रहती है। देखा, पबजी बैन करने का नतीजा, कल 100 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली और आज वही 100 नौजवान भूत बनकर शहर में पबजी खेल रहे हैं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? पीएम ने तुरंत डिटेक्टिव करण को बुलावा भेजा। करण, शहर की हालत का अंदाजा आपको है, आपने ऐसे ढेरों केसेस निपटाए हैं, क्या मैं आपका टिकट बुक कर दूं? कहिए कब निकलना है? करण शहर में आता है, पुलिस अफसर के साथ बात करता है। दिन में गायब रहते हैं और रात को हंगामा करते हैं, आप उन्हें कैसे रोकोगे? इन भूतों की कमजोरी है पबजी, और कमजोरी का फायदा उठाना करण अच्छी तरह जानता है। रात होती है, करण को फोन आता है। सर, पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। करण तेजी से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। इधर भूत बम और बंदूकों से हेडक्वार्टर का नामो निशान मिटा रहे थे। जय पबजी। तभी वहां करण पहुंचता है। जय पबजी। भूत करण की तरफ बढ़ते हैं। जय पबजी, कौन है तू? मैं डिटेक्टिव करण, मोदी जी ने भेजा है मुझे। हमें मारने के लिए? हम उसी वक्त मर गए थे जब पबजी बैन किया था, अब मरेंगे नहीं, सिर्फ मारेंगे।
तुम गलत समझ रहे हो, मैं मारने नहीं समझाने आया हूँ। मतलब? देखो, पबजी हमारा नहीं, हमारे दुश्मन देश का गेम था। उसको बैन नहीं करते तो चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती और वो चीनी हम पर हमला करते। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पबजी पर से बैन हटाओ, हम सब चले जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, पर एक काम हो सकता है। क्या? पबजी जैसा ही एक हिंदुस्तानी गेम लॉन्च होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप सभी भूतों को इस गेम में करेक्टर दिया जाए और आप सबको हमेशा हमेशा के लिए अमर किया जाए। क्या आप इस हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो? सारे भूत कुछ सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, हम तैयार हैं, बोलो हम क्या करें। आप सब इस बोतल में आ जाइए, जल्दी ही आपको नए हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल करके लॉन्च किया जाएगा। सारे भूत बोतल में घुसकर कैद हो जाते हैं। करण बोतल का ढक्कन लगाता है। सर, क्या सच में पबजी जैसा गेम लॉन्च करने वाले हैं? आप भी पबजी खेलते थे? नहीं सर। फिर आप बेवकूफ कैसे बन गए? मान गए सर आपको, आपको भी और मोदी जी को भी, आप दोनों को शत शत नमन।